अब तक हम पढ़ चुके हैं वज्रासन, पद्महस्तासन और ऊर्ध्वहस्तासन, इनकी हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं त्रिकोण आसन की। त्रिकोण आसन कैसे किया जाता है, आइए बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स अपार्ट, यानी कि पहले आप अपने पांव को खुले खुले पोजिशन में आप एक जगह पर खड़े हो जाएं। देन बेंड योर ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है धड़, यानी कि यहां से जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारा उसे हम ट्रंक कहते हैं। बेंड द ट्रंक साइडवेज एंड राइज द राइट हैंड अपवर्ड साइड, यानी कि आप अपने ट्रंक को जिस तरफ भी मोड़ते हैं राइट साइड में, तो आप राइट साइड में मोड़िए और फिर बाद में जो आपका साइड का जो हैंड होता है उसे हम उसको हमने क्या करना है, अपवर्ड साइड में ऊपर करना है। आप लेफ्ट साइड में झुक रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि बताया कि साइड में लेफ्ट साइड में झुक रहे हैं, तो राइट हैंड को हमें ऊपर की तरफ करना होगा। टच द ग्राउंड विथ लेफ्ट हैंड बिहाइंड द लेफ्ट फुट, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करना है लेफ्ट हैंड से और आपके पैर के पीछे की तरफ, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। आफ्टर सम टाइम डू द सेम आसन विथ अपोजिट आर्म इन द सेम वे, और इसी तरीके से आपको कुछ देर बाद में अपोजिट साइड में, यानी कि इस बार आप राइट साइड में झुके हैं नीचे की तरफ, तो अगली बार आपको लेफ्ट साइड में इस आसन को वापस रिपीट करना होगा, जैसे कि डायग्राम में बिल्कुल दिखाया हुआ है। और जब पोजीशन हमारी ये बन रही है, इस पोजीशन को हम त्रिकोण आसन के नाम से जानते हैं। नोट कीजिए इसके बेनिफिट्स की, त्रिकोण आसन के बेनिफिट की। त्रिकोण आसन कैसे करते हैं ये तो हमने प्रोसीजर से समझ लिया कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कैसे किया जाता है, क्या पोजीशन बनती है। अब उस पोजीशन को अगर हम ऐसा पोस्चर डेली करते हैं, इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमें कुछ बेनिफिट है। और वो बेनिफिट क्या है, बात करते हैं कि स्ट्रेंथन द नीज, लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। ये हमारे जो लेग्स है, नीज है, आर्म्स है और चेस्ट है, इसको मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट, और हाइट बढ़ने में भी ये हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्सेस बॉडी वेट, बॉडी में अगर ज्यादा वेट जो बढ़ा रहता है उस वेट को बढ़ाने से भी ये हमें बचाता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट लाइन, और कमर के जो आसपास जो हमारा जो फैट इकट्ठा हो जाता है उस फैट को भी ये रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, और डाइजेशन सिस्टम भी इससे अच्छा बना रहता है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में हम ये आसन नहीं करें। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो और हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको लो और हाई ब्लड प्रेशर है तब आप ऐसे आसन को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इफ यू सफरिंग फ्रॉम बैक इंजरी और माइग्रेन, आपको अगर बैक इंजरी हो रहा है या फिर पीठ को कोई दर्द बना रहता है तो आप अवॉइड दिस आसन, तो आप त्रिकोण आसन को नहीं करें। होता यह है कि उस आसन से ऐसे करने से वो उस आसन मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिससे आप परेशान है, वो उस बढ़ने के चांसेस सदा बने रहते हैं। नोट, अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। ये कुछ मछली जैसा आकार है, नाम है इसका आसन का, करते कैसे होंगे बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, कि पहले हमें क्या करना है अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन ऑन द फ्लोर, सबसे पहले आप एक फ्लोर पर आराम से बैठ जाइए। द राइट हील इज अंडर केप्ड अंडर द लेफ्ट थाई, और दाएं जो हील है आपका, दाएं पैर की जो एडी है उसे आप केप्ड अंडर द लेफ्ट थाई, वो लेफ्ट थाई के नीचे, ये लेफ्ट थाई है, लेफ्ट थाई के नीचे आपने इसे, इस हील को, इसे एडी को यहां पर रखना है, ठीक है। एंड लेफ्ट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द राइट थाई, और जो बायां पांव था ये दाएं पांव को क्रॉस करके उस तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे कि इसने यहां पर यहां रखा हुआ है, इधर से उठाया और इधर रखा है। आफ्टर दैट होल्ड द लेफ्ट टॉय विथ राइट हैंड, और उसके बाद में आपको दाएं हाथ से उस जो बायां पांव गया उसकी उसको आपने होल्ड करना है, जैसे इसने यहां पर होल्ड करके रखा हुआ है। एंड टर्न योर हेड एंड बैक टू लेफ्ट साइड, और आपकी जो थोड़ी सी सिर है आपका उसको आपने
पीछे की तरफ घुमाना है, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि जैसे कि इसने यहां पर पीछे की तरफ घुमाया है, तो यूं आकार बनेगा, ठीक है। इन दिस पोजिशन मूव द ट्रंक साइड वे, और इस पोजिशन में आपकी जो धड़ है, ट्रंक है यहाँ की, ये भी थोड़ी साइड वे में नजर आएगी, या नस को थोड़ा साइड वे में लेकर जाना है। देन परफॉर्म द सेम आसन इन द रिवर्स पोजिशन, और इस तरह का जो आसन है वो आपको परफॉर्म करना है, एक साइड हो गया, अब वहां पर आपको दूसरी तरफ करना है। कहने का मतलब जहां जहां भी राइट हील आपने लिया था, अगली बार जब करेंगे तो लेफ्ट हील आएगा, और लेफ्ट थाई के था यहाँ पर राइट थाई हो जाएगा, ठीक है, जब आसन आप उसको आप रिवर्स करेंगे। तो ये था प्रोसीजर अर्ध मत्स्येंद्र करने का, नोट कीजिए। चंद्र के हमने प्रोसीजर की बात कर ली, बात करते हैं इसके बेनिफिट की। इट एनहेंसेस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, ये पीछे की तरफ बैक मसल्स में जो स्ट्रेचेबिलिटी आती है उसे ये बढ़ाने में हमारे सहयोग प्रदान करता है, कौन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर एक्सेट्रा, ये कॉन्स्टिपेशन और मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर जो जिसे हम कहते हैं प्री लॉन्ग पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर जो होता है उसे ये ठीक करने में हमारे काम आता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, और डाइजेशन सिस्टम को भी ये ठीक करता है। इट रिमूव्स पोस्टुरल डिफिट, यानी कि शरीर में जो पोस्टुरल डिफिट जो होती है उसे भी ये ठीक करता है। इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, और बैक पेन जिन्हें बना रहता है उन्हें भी ये ठीक करने में हमारे काम आता है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कौन सी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन को नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इफ द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, या फिर से अल्सर हो रहे हो, पेट के छाले हो रहे हो, या फिर हर्निया हो रहा हो, अवॉइड दिस आसन, तो ऐसी कंडीशन में इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। वुमेन हु आर प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है उन्हें भी आसन को नहीं करना चाहिए, नोट कीजिए।